न्यू ब्लॉग। और पिछले ब्लॉग में उन लोगों ने देखा होगा कि मैं इस गांव तक, तो अब तो मैं अपना पूरा गांव दिखाऊंगा। पहले मैं ऐसे तो नहीं ना आऊँगा अभी थोड़ी देर में, तो चलो नहाते हैं। चलो तो गाइज मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना घर पूरा, ठीक है, गांव का, और दूसरा वाला घर भी दिखाएंगे जहाँ पे भैंस वैस है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज ये है हमारी कार स्कॉर्पियो, और ये हमारा घर, ये नलका। चलो अंदर चलते हैं अब सीधा। यहाँ पे एक छोटा सा हॉल टाइप, बाकी ये लाइट नहीं जल रही यार, कहाँ से लगी। ये है रूम, और गाइज ये है मेरी दादी। चलो बाकी दिखाता हूँ, लाइट बंद करते। और ये है, ये रूम में पता नहीं क्या है, देखता हूँ। इस रूम में तो गाइस भूसा है गाय भैंस के लिए, चारा। चलो इसको बंद करते हैं, चलते हैं अंदर। और यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा गेट जो पुराने ज़माने वाला। चलो देखते हैं आगे। और यहाँ पे एक और छोटा सा होल टाइप, और उसमें गेहूँ वगैरह है। हेलो, यहाँ पे एक रूम आता है, इसमें देखो और कुछ नहीं, लहसुन आटा, ये इन्वर्टर जो कि अभी कुछ टाइम पहले लगाया हमने, देख लो गाइस, सामान साड़ी वगैरह, गांव में ऐसे रहता है। बाकी मेरी चाचा की लड़की थी साइकिल। और यहाँ पे एक और रूम फिर से, इसमें वैसा ही कुछ नहीं है, यहाँ पे टीवी है जो रखी पड़ी है। और बाकी जैसे गांव में अलमारी नहीं होती ना, तो ये बनाते हैं। और इसमें गाइस दोनों में गेहूँ भर रखा है पूरा। और ये देखो अभी चाची ये पीस रही थी, ये रही गेहूँ पीसने वाली मशीन। चलो, और ये यहाँ पे इतना बड़ा कुछ होल है। बाकी ये है मेरी चाची का रूम, देख लो, इसमें भी वैसा ही सेम। चप्पल निकाल के जाना पड़ेगा। और ये है गाइस मेरा, हमारा ही मंदिर, देख लो ऐसा है। बाकी किचन, हमारा किचन है, और इसमें है ये नहाने का, चलो नहाने का था, बर्तन वर्तन उसी में धोते हैं। बाकी अब चलता हूँ तुम्हें, ये देखो ये रास्ता जाता है हमारा सीधा छत की ओर, तो छत पे चलते हैं अब सीधा। ना जहाँ पे खाना बनता है ना, उसके लिए ये चीज़ है, देख लो, और ये हमारा छत है। और यहाँ पे गेहूँ सूख रहे हैं, देख लो। बाकी यहाँ पे भी कुछ पतली सी गैलरी टाइप। अब दिखाता हूँ तुम्हें अपना, जो कि मैं इसमें सोऊँगा। इसमें मैं सोऊंगा आज रात को, तो देख लो कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे भी उसी टाइप का अलमारी बन रखा है। चलो इसमें देख लो गाइस सामान। और इस घर में देखो गाइस, कुत्ता भाई सो रहा है क्या? चलो सो जा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी पतली सी एलरी। और ये ऊपर से कुछ व्यू ऐसा आता है, देख लो अंकल क्या देख रहे हैं। चलो गाइस अब तुम्हें ले चलता हूँ मैं अपने दूसरे वाले घर पे, चले चलो गाइस, चलो चलते हैं अब अपने दूसरे वाले घर पे। कुछ ऐसा रास्ता है, देख लो गाइस, यहाँ पे गाइस इस टाइप का भी घर हमारे गांव में, देख लो ये रास्ता जाता है हमारे उस दूसरे वाले घर पे। और वो जो दिख रहा है ना सामने, वहाँ पे हमारा दूसरा वाला घर, ऐसे चल के जाते हैं हम यहाँ से।
और इधर देखो पूरी हरियाली हरियाली। बाजो अगर खिल ही जाएगा दिल का नगर। कहाँ ले जा रहे हो? धान बच्चा धान। धान ये दांत। तो गाइस चलो बस पहुंचने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर। धान देख लो गाइस। ले मुझे हम सफर है खुदा मेहरबान जो अगर ना भूल गया। यहाँ से कट होता है हमारे गांव के लिए, मतलब दूसरे घर के लिए। तो गाइस मैं अपने दूसरे वाले घर पे तो आ गया। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा एक घर। गाय भैंसों से बाद में मिलवाऊँगा, पहले घर घर दिखा देता हूँ। एक ये जिसमें ठंड के लिए रात के लिए गाय भैंस को अंदर कर देते हैं हम। और एक ये इसको तो मैंने खुद ही, मतलब मैंने और चाचा ने मिलकर बनाया था। ये जब बारिश का टाइम था ना, जब रुको गाइस। और यहाँ पे कुछ उपले रखे पड़े हैं जैसे कि, और यहाँ पे बजड़े काटने के लिए, ये सब बेड़ा वगैरह काटने के लिए मोटर लगा रखा है सब चीज़ें। इसमें क्या है, इसमें तो अभी खाली है, लेकिन इसमें भी गाय भैंस का चारा ही रखते हैं गाइस हम। चलो मिलवाता हूँ तुम्हें अपने पूरे गाय भैंसों से। चलो चल मिलवाता हूँ गाइस। इससे मिलो, हेलो कर दे। एक ये है, दूसरी ये, और फिर एक ये अभी हुआ है गाइस कुछ थोड़े दिनों में छठ पूजा वाले दिन पे। कितना छोटा है अभी। और एक ये गाय जो कि मारने को लगी रहती है, लेकिन मेरे को नहीं मारती। चलो एक ये छोटा सा, ये भी डर रहा है गाइस। उसके पास नहीं जा सकते गाइस, वो बहुत मारती है, इसलिए उसके पास तो कैंसिल जाना। यहीं से देख लो तुम लोग, इसके पास जा सकता हूँ लेकिन वो वहाँ से मारेगी, इसलिए इसके पास भी नहीं जा रहा। चलो गाइज ये देखो, ये हमारा पेड़ नीम का जो हमें छांव देता रहता है, मतलब सारे गाय भैंस को भी। और इसमें हम रखते हैं पानी, देख लो पूरा पानी रखते हैं इसमें, क्योंकि जब कभी भी लाइट कट जाए क्या पता, तो दिक्कत ना हो ना गाय भैंस के लिए। इसीलिए यहाँ पे एकदम साफ़ पानी आता है, मोटर लगवा रखा है। और गाइज यहाँ से लेके ये लाइन और ये लाइन से लेके वो जो एंड वाला पेड़ दिख रहा है एकदम एंड वाला, वहाँ तक ये हमारा, ये पूरा और अलग अलग जगह है। यहाँ पे तो ये वाला हमारा है जिसमें कुछ बो रखा है, देखते हैं पता नहीं, कुछ ना कुछ तो वो ही रखा है, देख लो भाई। चलो इसमें भी कुछ ना कुछ बोया है, ये देखो गाइस इसमें है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट करके बताना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मेरे को याद पता है, लेकिन इसको बोलते हैं गाइस हमारे गांव में सिरफल, और मतलब दिल्ली में भी मिलता है ये, देख लो इसका जूस बेचते हैं लोग। चलो सही है, बाकी ये मशीन मेरे को पता नहीं चल रही किस चीज़ की है, शायद से धान वान को झाड़ने के लिए है मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरे को लगता है। अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर, कुछ खाने, भूख लग रही है। पेर के जो बच गए थे तेरे, वे पकड़े दूसरे शहर में, हम लोग खाना खा रहे हैं।
खाने के लिए कुछ लेके आए हैं बाहर से, और इसमें मतलब गांव में कुछ भी देते हैं तो ब्लैक पन्नी में देते हैं। ये मैं समझ रहा ना कि चिकन है, चिकन नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले खा लूँ फिर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।